आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप यूनिट्स। एज्यूम xy प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट r। ठीक है, तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन जो है, ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। पर यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वेलोसिटी है, ये हम लोग का यहाँ पे थ्री डायमेंशनल जो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, जो एक्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के टर्म्स में हम लोग को वेलोसिटी को दिया गया है। मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये स्पेशल फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग को दिया गया है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग का जो एक्स वाई प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दैट इज एक्स वाई प्लेन जो है वो हम लोग का ग्राउंड का प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन इस केस में हम लोग का कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन विल बी द प्लेन ऑफ ग्राउंड। ठीक है, एक्स वाई प्लेन जो है हम लोग का ग्राउंड का प्लेन होगा। नाउ एक्स वाई प्लेन अगर ग्राउंड का प्लेन है, तो हम लोग का जो हम लोग का अलोंग जेड एक्सिस जो हम लोग का डायरेक्शन है, वो हम लोग का कौन सा डायरेक्शन होगा। ये अगर हम लोग मान ले कि ये हम लोग का ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का ऐसे वाई एक्सिस है, और ऐसे हम लोग का जेड एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ ये जो है, ये जो हम लोग का प्लेन है, ऐसे ये पूरा प्लेन जो है, दिस इज द प्लेन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ये हम लोग का ग्राउंड है। ठीक है, तो सॉरी, ये है हम लोग का प्लेन ऑफ द ग्राउंड। नाउ अलोंग जेड एक्सिस हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो मतलब प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम लोग का अलोंग जेड एक्सिस होगा। मतलब अलोंग जेड एक्सिस हम लोग का प्रोजेक्टाइल का फ्रॉम द ग्राउंड जो वर्टिकल मोशन होता है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन पे, वो वाला होगा। ठीक है, और हम लोग का अलोंग, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग उसको एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेन में ला सके हम लोग पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो यहाँ पे हम लोग का एक तुम्हारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वो होगा हम लोग का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो वो हम लोग का होगा, मतलब वो इनिशियल, ये हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी का बात बोल रहे हैं, तो हम लोग यू ले लेते हैं वी के जगह। ठीक है, तो यू परपेंडिकुलर विल बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग का उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 के कैप, क्योंकि के कैप हम लोग का पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 12 यूनिट्स आएगा। ठीक है, और यू पैरेलल जो होगा, यू पैरेलल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ कौन सा वेक्टर्स का, 3i कैप प्लस 4j कैप का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलोंग x एक्सिस हम लोग का 3i कैप है, और अलोंग y एक्सिस हम लोग का वेलोसिटी का कंपोनेंट है कितना, 4j कैप। तो हम लोग को यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये कुछ हम लोग का, ये जो स्ट्रेट लाइन से हटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ मान लो इस डायरेक्शन पे आएगा, तो वो हम लोग का, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हम लोग को क्या मिलेगा, रूट ओवर, ये दोनों हम लोग का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, बिल्कुल रूट ओवर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज रूट 25 इक्वल टू 5। तो यू पैरेलल जो है, ये हम लोग का होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हम लोग का कुछ इस तरफ आएगा, यू परपेंडिकुलर जो है, ये हम लोग का क्या है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन पे है यू परपेंडिकुलर, और यू पैरेलल हम लोग का ऐसा आ गया। तो ये जो हम लोग का प्लेन बनेगा, जहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स है, यू पैरेलल और ये यू परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लोग का ऐसे मान लो, ऐसे हम लोग का तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये तुम्हारा इमेजिन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये हम लोग का 2D में हम लोग अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, पर हम लोग का मान लो, ये हम लोग का क्या होगा, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स जो है, ये दोनों वेक्टर रहने वाला प्लेन में अभी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो अभी हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग का इनिशियल स्पीड u के साथ हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे विद एंगल थीटा विद द ग्राउंड, जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ग्राउंड का कंपोनेंट जो है वो होगा u पैरेलल, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, पहला तो हम लोग का रेंज का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g।
ना थीटा यहाँ पे हम लोग कैसे, यहाँ पे यू हम लोग का क्या है, यू विल बी द रिजल्टेंट ऑफ यू टी एंड यू पैरेलल। सो हम लोग लिख सकते हैं कि यू विल बी इक्वल टू रूट ओवर, यू पैरेलल है हम लोग का कितना 5 और यू परपेंडिकुलर है 12, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो यू विल बी इक्वल टू रूट ओवर 25 प्लस 144, दैट इज √169। तो यू जो है हम लोग का बनेगा 13 यूनिट्स, ठीक है, यू हम लोग का बन गया 13 यूनिट्स। और ये थीटा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये थीटा है हम लोग का, तो यहाँ पे यू परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है हम लोग का कितना, यू परपेंडिकुलर है हम लोग का यू परपेंडिकुलर वॉज 12 और यू पैरेलल 5 था, सो 12 बाय 5, तो ये हम लोग का बन गया है 13, ये हाइपोटेन्यूज जो है। तो यहाँ से हम लोग का जो साइन थीटा है वो बनेगा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 12 बाय 13, और कॉस थीटा जो है दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5 बाय 13, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आर जो है, आर क्या बनेगा, यू स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर, दैट इज 169 इंटू साइन 2 थीटा, को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या है, 12 बाय 13, cos थीटा है 5 बाय 13, सो 12 बाय 13 इंटू 5 बाय 13 डिवाइडेड बाई जी हम लोग को 10 लेने के लिए दिया गया है। तो आर विल बी इक्वल टू 13 13, मतलब 13 स्क्वायर 169 को काटेगा 1 से, और 2 5 10 और 5 5 कैंसिल, तो हम लोग आर जो है वो हम लोग को मिला 12 मीटर, ठीक है, दिस इज द रेंज। और यहाँ पे हम लोग को पूछा मैक्सिमम हाइट भी क्या है, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग का उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ पे यू स्क्वायर की जगह हम लोग आएगा 13 का होल स्क्वायर, आता है 169, साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका होल स्क्वायर, दैट इज 144 बाय 169 बाय 2 इंटू g मतलब 10, तो 169 कैंसिल, 144 को 72 से काटेगा, 72 बाय 10, सो h जो है मैक्सिमम हाइट है 10, विल बी 7.2 मीटर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।